10 private big schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मैं आपको बता दूं, मेरे पति जिला कारागार गाजियाबाद रासना में हैं और उनके ऊपर फर्जी केस हैं. सारे फर्जी केस हैं जिनके तहत वो बंद हैं जेल. और जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं. 63 नंबर है उसका. माननीय शरद यादव जी ने उनको अपनी पार्टी में लिया है और उसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं. किसानों की हित की बात कह रहे हैं. हालांकि मुझे पता है आप इसको बीच में सेंसर कर देंगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी और सभी जनता से, सब जो अगर देख रहे होंगे, सबसे अपील करना चाहूँगी, किसान की बात कह रहे हैं, किसान की बात कहते रहेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए लड़ते रहेंगे. प्रचार कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको किस तरह से प्रचार आप लोग करेंगे? देखिए, धन की कमी तो है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम लोगों के पास कोई रोजी रोटी नहीं है. हमारी रोजी रोटी छीन ली मायावती सरकार. दूसरी बात, प्रचार में कमी, मुझे समर्थन बहुत मिल रहा है, खासकर महिलाओं का, युवाओं का, वृद्ध भी हैं साथ और इवन छोटे छोटे बच्चे भी. जब मैं किसी भी गांव में पहुंच जाती हूं तो नारे लगाते घूमते हैं, जीतेगा किसान जीतेगा, हारेगा किसान हारेगा. तो समस्या तो आ रही है, लेकिन समर्थन होती है. इस किसको लेकर के आप प्रचार कर रहे हैं? किन लोगों का समर्थन है आपको? जिन गांव के लोगों के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी, क्या उन गांव के लोगों का? सारे ही गांव के साथ हैं. घुट्टा, पारसोल, आछीपुर, मुतैना, मतलब आसपास के जितने गांव हैं, जिन लोगों ने अत्याचार सहा है, दिखा है, उसमें रहे, वो सारे लोग साथ हैं. इवन जिन लोगों की डेथ भी हुई है, जैसे राजवीर सिंह हैं, राजपाल सिंह हैं और आछीपुर के हरिओम जी हैं, तो उनके परिवार से मेरे साथ.